नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुरभि व्योम किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला मूंगफली, जो कि हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये, तो उतना ही ज़्यादा टेस्टी हम इसे घर पे भी बना के खा सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही जल्दी बन के ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी मसाला मूँगफली बन के तैयार हुई है। एकदम क्रिस्पी है, एकदम कुरकुरी है। मार्केट की भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो चलिए ऐसे बनाना अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे मूँगफली का दाना। तो यहाँ पे देखिए, एक कटोरी मूँगफली का दाना मैंने ले लिया है। तो आप किसी भी चीज़ से नाप कर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कटोरी से एक कटोरी मूँगफली का दाना ली हूँ, और इसे पहले मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसके जो भी ख़राब दाने होंगे, मूँगफली में एक दो दाने ज़रूर ख़राब होते हैं, तो उसे हमें निकाल लेना है, ताकि हमारी मूँगफली, मसाला मूँगफली अच्छे से बन के तैयार हो, उसमें कोई भी ख़राब दाना ना हो। तो यहाँ पे देखिए, दो चार दाने जो भी ख़राब निकले हैं, मैंने उसे निकाल लिया है। और उसके बाद हमने ले लिया है एक थोड़े से बड़े साइज का कटोरा लिया है मैंने, और उसके अंदर अब हम डालेंगे आधा कटोरी बेसन। तो एक कटोरी मूँगफली के लिए यहाँ पर आधा कटोरी बेसन का यूज मैंने किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, तो यदि आपके पास काला नमक हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है जीरा पाउडर। जीरा को भून के उसका पाउडर बना के हम यहाँ पे जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। तो नींबू का रस हमें छान के लेना है, बिना छाने हुए नहीं लेंगे, और इस तरह से छन्नी लगा के छान लेंगे, और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा एक खट्टापन आ जाए हमारी नमकीन में। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका मिश्रण तैयार करना है। तो पानी यहाँ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ा भी पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी मसाला मूँगफली अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि इसका हमें एकदम गाढ़ा सा थोड़ा बैटर तैयार करना है, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पानी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी और यहाँ पर डाल दिया है। और इस तरह से यहाँ चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप आसानी से थोड़ी देर तक चलाएँगे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमारा मिक्सर जो है तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा यहाँ पे बैटर है, इतना ही गाढ़ा बैटर हमें चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जब हमारा बैटर तैयार हो जाएगा, तो हम इसके अंदर डाल देंगे मूँगफली का दाना। तो यहाँ पे देखिए, जो भी मूँगफली हमने रखा था वो यहाँ पे डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से यहाँ पे चम्मच से चला देंगे, ताकि सारी मूँगफली पर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए, एक भी दाना ऐसा ना हो जिस पर बेसन की कोटिंग ना हुई हो। बहुत ही अच्छे से इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सारी मूँगफली अच्छे से मिल चुकी है, एक भी मूँगफली ऐसी नहीं दिख रही है जिस भी बेसन की कोटिंग ना हुई हो। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो गर्म तेल में हम इसे नहीं डालेंगे, जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस का जो फ्लेम है एकदम से लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। और जैसे ही मूँगफली का दाना डालेंगे, यहाँ तुरंत से हमें चम्मच से चला लेना है, वरना ये आपस में चिपके रह जाएंगे, तो हमारी मसाला मूंगफली जो है चिपकी चिपकी सी आपस में तीन चार एक तरह से चिपकी हुई रह जाएंगी, तो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे तुरंत से जब चला लेंगे, तो इसके दाने दाने बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और इसे कम आँच पे ही हमें फ्राई करना है, बिल्कुल गैस का फ्लेम यहाँ पर बढ़ाना नहीं है। और इसी आँच पर इसे जब फ्राई करेंगे, तो हमारी मूँगफली जो है एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो इसे इसी तरीके से हमें कम आँच पे ही इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है, और जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए, इसे हमें निकालना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी हमारी मसाला मूँगफली बन के तैयार हो चुकी है। तो इसे चलिए निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो भी हमारे बाकी की मसाला मूँगफली रखी हुई है, उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसी तरीके से एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम देखिए कलछी से यहाँ पे मूँगफली डालेंगे, तुरंत से इसे आप किसी भी चम्मच से या कलछी के पीछे वाले हिस्से से इसे तुरंत से चला देंगे, तो तुरंत से दाने दाने इसके बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और अच्छी सी हमारी मसाला मूँगफली फ्राई हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया से ये बिल्कुल अलग अलग हो चुका है, और इसे ऐसे ही कम आँच पर हमें लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड राउंड वाला भी फ्राई हो चुका है, तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे
पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सामने लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए जितनी मसाला मूंगफली थी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी ये गर्म है तो गर्म में हम इसे थोड़ा सा और चटपटा बना लेते हैं। इसे आप ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, लेकिन चलिए इसे थोड़ी सी और चटपटी बना लेते हैं जैसे कि मार्केट वाली होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कटोरी ले लिया है और इसी में मैंने मूंगफली को डाल लिया है ताकि जो भी हम इसमें चीज़ें मिलाएं अच्छे से मिक्स कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो यदि आपके पास काला नमक हो तो आप यहाँ पे काला नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। और इसके बाद जब सभी चीज़ों को डाल देंगे तो इसे अच्छे से हमें चला लेना है। चम्मच से चला के मिला सकते हैं या फिर इसी तरीके से बाउल को, जैसे भी इसे यहाँ पे अच्छे से सारे मसाले को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो जब ये मसाला हम ऊपर से इस तरह मिला लेंगे ना तो एकदम मार्केट वाला टेस्ट आएगा, बिल्कुल जैसे मार्केट वाला आप खाते हैं ना मसाला मूंगफली, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारे मसाला मूंगफली बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ हाथों से इसे तोड़ के कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है और कितनी ज़्यादा ये कुरकुरी बनके तैयार हुई है। तो देखिए कितने अच्छे से हाथों से मसलने से एकदम से टूट जा रहा है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।